इंसान झूठ बोलता है तो कहीं भी झूठ बोलना उसके लिए गुनाह है, लेकिन रोज़े के अंदर झूठ बोलना ज़्यादा गुनाह है। जैसे एक आदमी झूठ बोलता है, एक आदमी गाली देता है, लेकिन एक आदमी गाली देता है बाहर देता है तो उस पर गुनाह पड़ता है, लेकिन वही आदमी मस्जिद में अगर गाली देता तो डबल उस पर ज़्यादा गुनाह हो जाता है, क्योंकि उस चीज़ का एहतराम करने के लिए कहा गया। तो वो तो इसी तरह यह है कि अगर इंसान जब रोज़ा रखता है तो रोज़े के अंदर इस चीज़ से इज्तनाब करे, झूठ बोलने से, गीबत करने से, लड़ाई झगड़ा करने से, ये सारी चीज़ें हराम है रोज़े के अंदर उसको करना, इन चीज़ों से उसको बचना चाहिए। और अल्लाह इसमें फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि जो झूठ बोलना ना छोड़े तो उसके खाने पीने के छोड़ने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े, अगर वो झूठ बोलना नहीं छोड़ता है तो फिर उसको अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं कि ऐसा आदमी अपना खाना पीना छोड़ दे। इसी तरह जो है अल्लाह के उसमें फरमाते हैं कि रोज़ा ढाल है जहन्नम की आग से, तो अगर कोई उससे लड़ने भी आ जाए तो वो शख्स खामोश रहे और बस इससे कह दे कि भाई मैं रोज़े से हूँ, मैं इससे लड़ाई नहीं कर सकता, खुद खामोशी इख्तियार कर लें। तो ये है कि इसमें ये सारी चीज़ें हराम है कि बिला वजह आदमी लड़ाई झगड़ा उसके अंदर करे, वो करे, मजबूरी है इसमें अलग चीज़ है।